आज का अत्यंत सुंदर कार्यक्रम मैं आश्चर्यचकित हूँ और अभिभूत हूँ। भारतवर्ष प्रकाश को जन्म देने वाला देश, जिसके लिए कहा गया है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मन स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। भारतवर्ष पूर्व की संस्कृति, प्रकाश का देव, सूर्य को जन्म देने वाला देश, भगवद गीता जिसमें श्री कृष्ण ने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। जैन शास्त्र कहते हैं परमम नानम, सर्वप्रथम जीवन की आवश्यकता ज्ञान है। तीर्थंकरों की स्तुति सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके, सूर्य प्रकाश का देवता जिसने आकाश में उदित होकर प्रकाश किया, अंधेरे को दूर किया, धरती का सूर्य सूर्यदत्ता, जिनको जन्म देने वाले पूर्व दिशा के समान संजय भाई और सुषमा जी, बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है। जैसे प्रकृति का अंधकार अच्छा नहीं लगता, इसी तरह से संस्कृति का अंधकार उससे भी ज़्यादा भयानक, भीषण और भयंकर होता है। इस अंधकार को दूर करने के लिए सूर्यदत्ता ने प्रयत्न किया है। बस सूर्य चमकता रहे, जन जन को रोशनी देता रहे, संसार में अगर सबसे भयंकर अभिशाप के समान अंधकार पूर्ण अगर कुछ है तो अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए सूर्यदत्ता ने महत्वपूर्ण प्रशंसनीय प्रयास किया है। भाइयों और बहनों, हम सब इस सुंदर पुरस्कार समारोह के साक्षी हैं। मंचस्थ लोग, पुरस्कृत लोग, जिन्होंने पुरस्कार दिया और जो इस पुरस्कार के साक्षी हैं, जन जन यहाँ पर दूर तक जो बैठे हैं, सभी भाग्यशाली हैं कि इस सुंदर वातावरण में बैठने का हमें सौभाग्य मिला। और सुंदर जिन्होंने सत प्रयास किया है, मैं सोचती हूँ जिन्होंने पुरस्कार दिया है वे स्वयं भी हजारों हजार पुरस्कार और श्रेय के भागीदार हैं। भाइयों और बहनों, आप सभी भाग्यशाली हैं आज की इस महनीय सभा में उपस्थित होने का हम सबको सौभाग्य दिया है सूर्यदत्ता को जन्म देने वाले श्री संजय जी और सुषमा जी को। मैं बहुत बहुत आचार्य श्री चन्ना श्री जी के आशीर्वाद देती हूँ। मैं अनुग्रहित हूँ इतना सुंदर कार्य इतनी शालीनता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। बस वे भी इसी तरह से पुरस्कृत हो, अनेक अनेक सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजार पुरस्कार देते रहे और स्वयं पुरस्कृत होते रहे। भारतवर्ष जो सूर्य का देश है, बस अंधकार संपूर्ण विश्व का दूर करता रहे। इसी मंगल भाव के साथ मैं अपनी बात पूरी करती हूँ।